हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग डायोड। बेसिकली हमको थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग एक्सीआर के बारे में पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें डायोड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक डायोड रेक्टिफायर के बारे में हम नहीं जानेंगे, तब तक हम एससीआर का वर्णन नहीं कर सकते, एससीआर के बारे में नहीं समझ सकते, क्योंकि उसका जो बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक जो प्रिंसिपल है, वो डायोड से ही निकल के आता है। तो यहाँ पे हम पहले सिंगल थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग डायोड का हम एनालिसिस करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे जो आपका थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर है वो दो तरह का होता है। उसमें पहला जो आपका है कॉमन कैथोड अरेंजमेंट है, दूसरा आपका कॉमन एनोड अरेंजमेंट है। तो जो कॉमन कैथोड अरेंजमेंट होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, इसमें तीन डायोड होते हैं। हमने यहाँ पे तीनों डायोड को A1, B1 और C1 से प्रदर्शित किया है। यहाँ पे तीनों डायोड A1, B1 और C1, तीनों डायोड के जो कैथोड हैं वो आपस में शॉर्ट सर्किटेड हैं, मतलब आपस में कॉमन है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कॉमन कैथोड अरेंजमेंट, क्योंकि इन तीनों डायोड A1, B1 और C1 का जो कैथोड है आपस में शॉर्ट सर्किटेड है। इसमें जो डायोड A1 का एनोड है फेज A से कनेक्टेड है, थ्री फेज सप्लाई सिस्टम है, तो डायोड A1 का जो एनोड टर्मिनल है सप्लाई वोल्टेज के फेज A से कनेक्टेड है। इसी तरह से B1 डायोड का जो एनोड है वो फेज B से कनेक्टेड है, C1 डायोड का जो एनोड है फेज C से कनेक्टेड है, और यहाँ पे तीनों डायोड का जो कॉमन टर्मिनल है वो लोड के अक्रॉस, यहाँ पे इसको हमने पॉजिटिव मान रखा है, इसको निगेटिव मान रखा है, और जो लोड का निगेटिव टर्मिनल है वो न्यूट्रल से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमको थ्री वायर फोर फेज सप्लाई सिस्टम चाहिए, मीन्स तीन फेज और एक न्यूट्रल चाहिए। यहाँ पर जो लोड है वो तीनों डायोडों के जो कॉमन कैथोड है और न्यूट्रल के बीच में संयोजित किया गया है, और लोड के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हमने V0 से प्रदर्शित किया है। दोस्तों, हमने डायोड के बारे में पढ़ा है, डायोड के बारे में हम जानते हैं कि डायोड में आपका एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ये कैथोड टर्मिनल है, ये एनोड टर्मिनल है। कैथोड एनोड माने ये जो एनोड टर्मिनल है ये पी टाइप मटेरियल है, कैथोड आपका एन टाइप मटेरियल है। जो डायोड हमारा होता है ये फॉरवर्ड बायस में कब होता है, जब एनोड आपका हायर पोटेंशियल पे, कैथोड आपका लोअर पोटेंशियल पे। यहाँ हमको एक चीज़ बहुत ध्यान देनी होगी कि जो हम यहाँ पे कहते हैं कि पी टाइप मटेरियल आपका पॉजिटिव से एन टाइप नेगेटिव से कनेक्ट होगा, तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा। यहाँ पे जो बेसिक फंडामेंटल है कि पॉजिटिव और निगेटिव, जो यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन लेते हैं, पॉजिटिव का मतलब होता है हायर पोटेंशियल और निगेटिव का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे दोनों भी धनात्मक हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन डायोड आपका तभी फॉरवर्ड बायस में होगा जब जो आपका एनोड है ये हायर पोटेंशियल पे, कैथोड आपका लोअर पोटेंशियल पे। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए डायोड है, अगर ये 10 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये +10 है, ये +3 है, और ये डायोड के अक्रॉस हमने अप्लाई कर रखा है, तो इस अवस्था में भी हमारा डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, क्योंकि जो एनोड है ये हायर पोटेंशियल पे है, कैथोड हमारा लोअर पोटेंशियल पे है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका थ्री फेज सप्लाई सिस्टम है, यहाँ पे देखिए हमने थ्री फेज सप्लाई सिस्टम ड्रा किया है। इसको ड्रा करने के लिए क्या किया, हमने थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे इक्वल यहाँ पे डिवीज़न कर रखा है। जो ये वाला डिवीज़न है, इतना डिवीज़न, दोनों आपस में जो आपका यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये बराबर है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी डिस्टेंस क्या है, बराबर है। हमने एक एक सेंटीमीटर पर यहाँ पर कट मार दिया है, और एक सेंटीमीटर को हमने यहाँ पे 60 डिग्री का मान लिया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आपका 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 5 डिग्री हो गया। अब जो आपका फेज ये होगा, जीरो से स्टार्ट होगा इस तरीके से, फेज बी फेज ए के स्टार्ट होने के 120 डिग्री बाद स्टार्ट होगा, मतलब 60 और 60, 120, यहाँ पे 120 डिग्री। तो जो फेज बी का ग्राफ होगा 120 डिग्री बाद स्टार्ट होगा, तो इसको यहाँ से प्रचालन करेंगे। इसी तरह से जो फेज सी होगा, इसके आपका फेज बी के स्टार्ट होने के 120 डिग्री बाद स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 60 और 60, 120, तो यहाँ से यहाँ पे 240 डिग्री बाद आपका ये स्टार्ट होगा। तो इसको फिर पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये π/6 डिग्री है, यहाँ पे आपका 150 डिग्री होगा, तो इसके इसके बीच में जो आपका ये आपका एंगल होगा ये 120 डिग्री का होगा। ये थ्री फेज सप्लाई सिस्टम का आपका डायग्राम है, वेवफॉर्म है, आपने पहले
ड्रा किया होगा। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि किस समय में कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा। तो हमने ये बताया कि जब डायोड का एनोड हायर पोटेंशियल पे होगा, कैथोड लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जीरो से लेकर के 30 डिग्री तक, जीरो से लेकर के 30 डिग्री तक, यानी जीरो से लेकर के पाई बाई 6 डिग्री तक हम ये देखेंगे कि कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका ये वाला है ये फेज सी है, ये फेज सी है और डायोड सी से कनेक्टेड है, सी वन से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये भी आपका पॉजिटिव, यहाँ पे जो आपका फेज सी है, जो डायोड आपका सी वन है, इस जीरो से लेकर के 30 डिग्री के बीच में इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे जो एनोड है ये हायर पोटेंशियल पे, कैथोड आपका लोअर पोटेंशियल पे। लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं, जो आपका फेज ए है, ए का भी आपका जीरो से लेकर के 30 डिग्री के बीच में आपका जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है। मतलब फेज ए के क्रॉस भी आपका एनोड हायर पोटेंशियल पे होगा और कैथोड लोअर पोटेंशियल पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो डायोड हैं, फेज जो आपके फेज ए और फेज सी से कनेक्टेड हैं, तो ए वन डायोड के क्रॉस भी जो एनोड टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे है, सी वन डायोड के क्रॉस भी जो आपका एनोड है वो हायर पोटेंशियल पे है। तो इन दोनों डायोडों में से दोनों तो एक साथ कंडक्ट कर नहीं सकते लेकिन कौन सा कंडक्ट करेगा इसको हमें देखना होगा। हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो सी वन डायोड है इसके अक्रॉस जो आपका वोल्टेज है, अब यहाँ पे 0 डिग्री पे देखिए जो आपका वोल्टेज है सी वन डायोड के अक्रॉस वो ज़्यादा है, और जो ए वन के अक्रॉस वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है। तो यहाँ पे जो आपका सी वन डायोड है ये पहले ही कंडक्ट हो जाएगा। तो जो सी वन डायोड है जब पहले ही कंडक्ट हो जाएगा, तो सी वन डायोड के अक्रॉस वोल्टेज हमारा यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल पे, न्यूट्रल के कारण यहाँ पे ये लोअर पोटेंशियल पे, तो जब ये कंडक्ट हो जाएगा ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जैसे ही सी वन शॉर्ट सर्किट होगा तो जो वोल्टेज हमको यहाँ पे मिल रहा था वही वोल्टेज हमको यहाँ पे मिलेगा। अब जब वो यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सी वन के क्रॉस वोल्टेज है जीरो से लेकर के 30 डिग्री तक, जो सी वन के क्रॉस वोल्टेज है वो उसका मान ए वन के क्रॉस जो वोल्टेज है, ए वन डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है उससे अधिक है। मतलब बी सी वन इज ग्रेटर देन बी ए वन, मतलब जो सी वन डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका मान ए वन डायोड से अधिक है। तो पहले आपका सी वन टर्न ऑन हो जाएगा, और जैसे ही सी वन टर्न ऑन होगा तो जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज हमारा यहाँ पे क्या होगा, अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वोल्टेज सी वन सी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। अब ये वाला आपका जो ए वन आपका डायोड ए वन है, अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे आपका ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये वाला आपका लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो जब ये हायर पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल पे, तो डायोड आपका ए वन क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा, और बी वन के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ऑलरेडी निगेटिव में है। तो जब बी वन के अक्रॉस वोल्टेज निगेटिव में है तो ये ऑलरेडी किस में होगा, रिवर्स बायस में। इसी तरह से अब जो डायोड ए वन है ये सी वन के कारण किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में। अब यहाँ पे एक समय में सिर्फ एक ही डायोड कंडक्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि जिस डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज, जिस डायोड के अक्रॉस अधिकतम धनात्मक वोल्टेज होगा, उस समय में केवल और केवल वही डायोड कंडक्ट करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीरो से लेकर के पाई बाई 6 डिग्री तक, जीरो से लेकर के पाई बाई 6 डिग्री तक जो डायोड सी वन है उसके क्रॉस वोल्टेज सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे सी वन डायोड ही हमारा क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाई बाई 6 से लेकर के 30 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री तक जो डायोड ए वन है इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, अधिकतम है। तो 30 डिग्री से 150 डिग्री तक हमारा डायोड ए वन कंडक्ट करेगा। इसी तरह से 150 डिग्री से लेकर के उसमें 120 डिग्री और जोड़ दीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा बी वन कंडक्ट करेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा बी वन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा सी वन, क्योंकि सी वन के क्रॉस यहाँ पे वोल्टेज अधिकतम धनात्मक वोल्टेज यहाँ पे हमको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे आपका सी वन कंडक्ट करेगा, फिर यहाँ पे ए वन बी वन सी वन ए वन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सीक्वेंस बना रखा है। अब यहाँ पे जो आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगा जब ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो जो वोल्टेज आपका यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हो जाएगा।
अब लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा सप्लाई वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको C1 के अक्रॉस यहाँ पे इतना धनात्मक वोल्टेज प्राप्त हो रहा, तो इतना वोल्टेज आउटपुट पे हमको मिलेगा जब C1 हमारा टर्न ऑन हो जाएगा। इसी तरह से जब हमारा A1 टर्न ऑन होगा, तो जैसे जैसे A1 वोल्टेज वेरी कर रहा, वैसे वैसे आपका लोड के अक्रॉस जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। इसी तरह से B1 वोल्टेज यहाँ पे हमको B1 जो डायोड है उसके अक्रॉस यहाँ पे जो आपका फेज बी से कनेक्टेड है बी वन डायोड, तो इस पे हमको यहाँ पे इतना वोल्टेज प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसका यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसकी जो यहाँ पे वेवफॉर्म होगा उसका जो वेवफॉर्म है वो इनपुट के ही समान होगा। जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज आपका वेरी करेगा वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज भी आपका वेरी करेगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसका मान सप्लाई वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे एक समय में सिर्फ एक ही डायोड हमारा क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि एक समय में सिर्फ एक ही डायोड कंडक्ट करेगा। भले ही यहाँ पे तीन डायोड लगे हुए हैं लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही डायोड कंडक्ट करेगा, और वही डायोड कंडक्ट करेगा जिस डायोड के अक्रॉस अधिकतम धनात्मक वोल्टेज होगा कॉमन कैथोड अरेंजमेंट में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बी वन सबसे ज़्यादा धनात्मक वोल्टेज यहाँ पे बी वन के क्रॉस है, तो यहाँ पे बी वन कंडक्ट करेगा। सबसे ज़्यादा धनात्मक वोल्टेज यहाँ पे सी वन के क्रॉस है, तो सी वन कंडक्ट करेगा। सबसे ज़्यादा धनात्मक वोल्टेज यहाँ पे ए वन के क्रॉस है, तो ए वन कंडक्ट करेगा। तो इस तरह के से हमको आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, प्राप्त होगा। अगर शुरू का 30 डिग्री हम यहाँ पे छोड़ दें तो सारे डायोड आपके 120 डिग्री तक कंडक्ट करेंगे। ए वन 120 डिग्री तक कंडक्ट करेगा, उसके 120 डिग्री बाद आपका बी वन कंडक्ट करेगा, उसके 120 डिग्री बाद आपका सी वन कंडक्ट करेगा, उसके 120 डिग्री बाद फिर ए वन। ये सिक्वेंस आपका बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 360 डिग्री में जो आउटपुट वोल्टेज है 120 120 120, तो 360 डिग्री में इसके तीन साइकिल, तीन पल्स मिल रहे हैं। 360 डिग्री में 120 डिग्री के तीन पल्स मिल रहे हैं। इसलिए जो आपका थ्री फेज हाफ वेव कन्वर्टर होता है इसको हम थ्री पल्स कन्वर्टर भी कहते हैं।